स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लोजेस्ट पैकिंग क्या होता है। देखिए बच्चों, क्लोजेस्ट पैकिंग एक ऐसा पैकिंग है जिसमें हम एटम्स को इस तरह से पैक करते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिलता है और वॉइड फ्रैक्शन जो है वो मिनिमम मिलता है। तो क्लोजेस्ट पैकिंग बेसिकली स्टूडेंट्स जो होता है ये दो तरह का होता है, बेसिकली दो डिफरेंट टाइप का होता है। उसमें आपका फर्स्ट है बच्चों, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोजेस्ट पैकिंग। द फर्स्ट वन इज एफसीसी, दैट इज कॉल्ड एबीसी अरेंजमेंट, ऐसा बोलते हैं। सेकेंड बच्चों जो ये होता है, ये होता है एचसीपी। एचसीपी जो बच्चों होता है वो होता है एबीएबी होता है, इसको हम एबीएबी पैकिंग बोलते हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब आइए इसको समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या एफसीसी और एचसीपी है क्या, किस तरह से ये हमको यहाँ पर मिलता है। देखिए बच्चों, इसके लिए हमने एक फिगर लिया हुआ है, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। अब आप देखिए, इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं ग्रे कलर के जो बॉल्स हैं, ग्रे कलर की जो बॉल्स हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जिसको मैंने टिक किया है। ये आपको जो ग्रे कलर की बॉल्स मिल रही हैं बच्चों, इन बॉल्स को हमने क्या किया है, टेबल पे रखा हुआ है पहले। अब देखिए, जहाँ जहाँ मैंने टिक किया है, ये जो बॉल्स हैं बच्चों, ये आपकी जो बॉल्स हैं ये टेबल पे रखी हुई हैं एक दूसरे के साथ लगा करके, ठीक है। इस तरह से रखी हुई हैं कि एक के सराउंडिंग में सिक्स बॉल्स आपको दिख जाएंगी, मतलब एक के सराउंडिंग में छः आना ही आना है, ठीक है, ये इसका रूल है। तो जब भी हम टेबल पे बॉल्स रखेंगे तो एक के सराउंडिंग में छह रखेंगे, फिर उसके साथ साथ साइड साइड लगाते चले जाएंगे, तो हमको जो बच्चों ये मिलेगी लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लेयर ए, इसको हम लेयर ए बोलते हैं। तो जब हम सारी ब्लैक कलर या ग्रे कलर की बॉल्स को इस तरह से लगाएंगे जिसमें एक के सराउंडिंग में सिक्स आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों कि ये लेयर ए हमारा प्रिपेयर हो गया, लेयर ए यहाँ पर बन गया है। तो लेयर ए आप बना लेंगे आसानी से बच्चों। अब देखिए, लेयर ए रखने के बाद बच्चों हम लेयर बी रखेंगे इस पर, एटम्स की या स्फीयर्स की जो है सेकेंड लेयर इस पर रखा जाएगा, सेकेंड लेयर रखा जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, जो सेकेंड लेयर रखा जाएगा वो कैसे रखा जाएगा बच्चों, ऑब्वियसली वो लेयर ए के ऊपर ही रखा जाएगा, ठीक है। और लेयर ए के जो एटम्स है, देखिए उस पर ए भी लिखा हुआ, आप देख सकते हो सब पे ए और ए लिखा हुआ है। और बच्चों, ये जो हमारा लेयर बी है ये कैसे रखा गया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे रेड कलर की बॉल्स हैं, ये रेड कलर की बॉल्स हैं जिसपे मैं ये हैश का मार्क लगा रहा हूँ, आप यहाँ इन बॉल्स को देखिए, ये जो रेड कलर की बॉल्स हैं इनको हम लेयर बी बोलते हैं, लिखा भी है बी इसको। और ये जो बच्चों रखा हुआ है, ये एग्जैक्टली जो है लेयर ए के ऊपर रखा हुआ, आप ध्यान से देखिए, ठीक है, लेयर ए के बीच में जो वॉइड्स बनते हैं उनके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। सो कैसे रखा हुआ है बच्चों, ये हम आपको बता रहे हैं। आप ऐसे देखिए कि यहाँ पर नीचे जो लेयर्स ए हैं, लेयर ए है उसके में आपका ये दो के ऊपर एक रखा है, फिर इन दो के ऊपर एक रखा है, इन दो के ऊपर एक ये रखा है, मतलब हर दो ए का आप एटम लीजिए, उसके ऊपर रेड रखा है बी, फिर ए लीजिए, ये जो हमारा कर्सर दिख रहा है ए है, और फिर ये ए है नीचे, इसके ऊपर बी रखा है, ऐसे इधर भी देखिए रखा है, ये बी रखा, ये बच्चों लेयर बी है हमारे पास, ठीक है। और एक बात आपको बहुत यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी, वो ये है स्टूडेंट्स की, एक्चुअली ए यहाँ पर जो लेयर ए है और लेयर बी है इनके बीच में, आप देखिए ये आपका दिख रहा है, इसको मैं ब्लू कलर यहाँ पे कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको मैं ब्लू से एक बार कलर कर रहा हूँ, आप देखिए ये ब्लू आपको कर दिया। ये है क्या एग्जैक्टली, ये जो है इट्स अ कॉमन वॉइड है जो लेयर ए और लेयर बी के बीच में बना, और ये एग्जैक्टली हम अगर देख रहे हैं तो हमें पेपर दिख रहा है जिस पर ये रखा हुआ, सपोज करिए वाइट पेपर है, आप इसको ले लीजिए, तो ये आपका ये क्लियर वॉइड दिखेगा,
आर पार दिखेगा इसके, टेबल, ये टेबल पे रखा तो टेबल का बेस दिखेगा, पेपर पे रखा है तो पेपर का बेस दिखेगा ये बच्चों, ठीक है। सो ये है। अच्छा इसमें अब एक बात और देखिए कि लेयर बी को एक और तरीके से हम रख सकते हैं बच्चों यहां पर, एंड वो ये है कि जैसे हमने ये ब्लू वाले आप स्फीयर्स देखिए, ब्लू वाले हमने जो स्फीयर्स रखे हैं वो इस तरह से रखे हैं बच्चों कि इसके नीचे देखिए एक हमें लेयर ए का आइटम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इसको मैं एक बार इसे सर्कल करता हूँ, आप देखिए ये ए दिख रहा है यहाँ पर। सो इनफैक्ट वो इस तरह से रखा गया है बच्चों कि इसके नीचे आपको लेयर ए का आइटम एक दिख रहा है यहाँ पर, और ये भी आपका लेयर बी ही है स्टूडेंट्स। सो अब यहाँ पर जब हम लेयर बी रखते हैं बच्चों, तो लेयर बी रखने के बाद हमको दो तरह का स्पेस दिखता है, टू टाइप्स का हमको स्पेस जो है यहाँ पे दिखता है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये इस फिगर में थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा, ये भी आपका बी है, ये ब्लू वाला भी जो बी है इसको भी आप बी रखिए इसका, ये आपका बी है, ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ठीक है। तो ये जो हमने बी रखा है बच्चों, इसके बीच देखिए जो स्पेस दिख रहा है ये, इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूं। तो देखिए इसके नीचे आप इमेजिन कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या है, वो आपका ए था, एग्जैक्टली ए का जो है एटम दिख रहा था यहाँ पे, ए बना हुआ था यहाँ पर इस तरह से ए। तो आप देखिए लेयर बी जो हमने रखा है वो रेड से भी दिखाया है और उसको हमने ब्लू से भी दिखाया है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर आप ये समझिए कि हमने लेयर बी रख दिया, तो ये हमारे जो एटम्स हैं वो लेयर बी के हैं, इनफैक्ट ये आपका लेयर बी है, ये लेयर बी है आपका, ठीक है। और अब यहां पे आप देखिए बच्चों कि ये लेयर बी रख दिया हमने, तो हम अभी क्या कर चुके हैं, यहाँ पे लेयर ए रख चुके हैं और उसके बाद लेयर हम बी रख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हमें तीसरी लेयर रखनी है, तीसरी लेयर कहाँ रहेगी बच्चों, दूसरी लेयर के ऊपर रहेगी, यानी कि लेयर बी के ऊपर रहेगी, ठीक है। तो यहां से आप ऐसे देखो कि अगर हमें तीसरी लेयर रखनी तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं इसके लिए, वी हैव टू ऑप्शंस फॉर द थर्ड लेयर। एक तो हम भाई एक तो पक्का है कि हम रखेंगे तो इसके ऊपर ही, तो आप देखो जैसे अगर हमने यहाँ पे रखते, अगर हम यहाँ पे मैं इसको वाइट से बना रहा, अगर मैं यहाँ पे रखता ये तीसरी लेयर का आइटम यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो आपका आइटम है ये जो मैं इसको थोड़ा शेडिंग कर दे रहा हूँ, ये जो एटम होता है ये तीसरी लेयर का एटम है। या तो आप सारे इस तरह के पोजीशंस पे रखो, अब इस तरह से रखोगे तो ये जो आपका लेयर बनेगा ये बच्चों ये लेयर सी बनेगा, ये जो है आपका लेयर सी बनेगा, ये लेयर सी बनेगा। लेयर सी क्यों बनेगा, बिकॉज ये किसी से कॉमन नहीं है, ए से भी अलग है, बी से भी अलग है, ठीक है। लेकिन अगर हम तीसरी लेयर का एटम यहां पर नहीं रखें, जहां पर मैंने अभी रखा मैं यहां पे ना रखूं, और मैं सारे वो वाइट सेलेक्ट करूं जो इस टाइप के हैं, यहां पे हमको रखना पड़े, आप देखिए यहां पे रखना पड़े, इस जगह पे रखना पड़े हमको अगर, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों क्या होगा कि ये अब ध्यान से देखो, ये अब ये जो वाइट वाला आएगा, ये वाइट वाला, ये वाली जो ये जो स्फीयर आएगा ये बच्चों, ये एग्जैक्टली ना लेयर ए के एक एटम के ऊपर आ रहा है, इसके ठीक नीचे जो है लेयर ए का एटम है, वो ए लिखा भी इसीलिए है। तो ये जो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे, ये जो हमारे पास ये जो हो जाएगा इसको हम बोलेंगे लेयर ए, ये जो बनेगा ये फिर से लेयर ए बन जाएगा, यानी इस पर इस तरह के वाइट्स, देखिए हम दोनों में से एक बार में एक ही वाइट पर रखेंगे, आइदर हम इस पर रखेंगे जो लेयर सी बना रहा है, फिर हम कोई भी एटम इस पर नहीं रखेंगे जो लेयर बना रहा है, तो थर्ड लेयर के हमारे पास दो ऑप्शन है,
या तो हम वो सेलेक्ट करेंगे रेड के ऊपर वाले, पर ऐसे सारे आपको मिल जाएंगे आप। फिर हम ब्लू वाला रखेंगे नहीं, फिर हम रेड वाले एटम सी इस पर रखेंगे और इस तरह के वाइट्स पे रखेंगे, ठीक है। तो वो जो नई लेयर मिलेगी उसको हम लेयर सी बोलेंगे। और अगर हमने ब्लू जिस तरह से रखा हुआ, अगर इस तरह से अरेंज किए एटम्स या इसको रखे हमने, तो हमें जो वॉइड मिलेगा बच्चों वो बेसिकली ब्लू के ऊपर मिलेगा, और ब्लू के ऊपर जो नई लेयर रखी जाएगी वो फिर लेयर ए के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इसके ठीक नीचे आप इसमें होगा, आप देखो ऐसे, इसके ठीक नीचे अगर हम एक ब्लैक स्फीयर लेते हैं तो इसके सराउंडिंग में देखिए 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 है। इन 6 के बीच में एक जो सातवां होता है उसके ऊपर ही तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी है नई लेयर हो जाएगी बच्चों, और इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड द लेयर ए। सो इस तरह से बच्चों हमने जब लेयर ए रखा, फिर बी रखा, और अगर हम ऐसे रखते हैं, मान लीजिए ऐसे रखा हमने और ऐसे रखा, तो आप देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा ए बी ए बन रहा है, ठीक है। ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ए बी ए बी ए बी ऐसे करके, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एच सी पी बोलते हैं, हेक्सागोनल। और अगर हम बच्चों ऐसे करते हैं, ए से उठाया मैंने, ए से बी में गए और बी से यहाँ पे गए, यानी ये वाला पैटर्न फॉलो किया, पहले ए रखा फिर बी रखा फिर सी रखा, तो इस तरह से जो हमको मिलेगा बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ए बी सी, ए बी सी एंड ए बी सी हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एफ सी सी बोलते हैं, या फिर हम सी सी पी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्लोजेस्ट पैकिंग क्या है, और इस तरह से जो क्लोजेस्ट पैकिंग हम लोग करते हैं, तो लेयर सी के लिए जो दो ऑप्शंस बनते हैं, तो एक पर्टिकुलर ऑप्शन पर ही अगर हम सारे थर्ड लेयर के एटम्स रखें, और वो रेड वाले के ऊपर जो स्पेस हमने किया है इस पर जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड लेयर सी, और थर्ड लेयर के अगर सारे एटम्स ब्लू वालों के ऊपर रखे तो दैट इज कॉल्ड अगेन ए। तो इस तरह से दो तरह का अरेंजमेंट हमको मिलता है, द वन इज कॉल्ड ए बी ए बी दैट इज कॉल्ड एच सी पी, द अदर इज कॉल्ड ए बी सी ए बी सी दैट इज कॉल्ड एफ सी सी और सी सी पी हो जाता है बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग क्लोजेस्ट पैकिंग बोलते हैं। एक्चुअली बच्चों इनमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो सेम होती है, दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% होती है, ठीक है। और वॉइड फ्रैक्शन जो होता है इसमें, ये पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, और वॉइड फ्रैक्शन 26% हो जाता है दोनों में, वॉइड फ्रैक्शन। बाकी ये यूनिट सेल्स होती अलग अलग है, एफ सी सी या सी सी पी अलग है, एच सी पी अलग है, इनको हम अगले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ ही रहे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही बच्चों।